यू कैन डू एनी थिंग बट इफ़ यू वॉन्ट, आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो. हेलो एवरी वन, आई एम निशिता एंड यू आर वॉचिंग द एंड पीस. हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा ही असंभव लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव कार्य को संभव करके दिखाता है तो हमें लगता है कि वो तो बहुत लकी है. दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं. कोई भी काम असंभव नहीं होता बल्कि थोड़ा कठिन होता है. जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यह असंभव है, तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं. आपको याद होगा कि पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी. अगर किसी टीम ने 300 रन बना लिए तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव सा प्रतीत होता था. लेकिन समय बदला, नए लोग आए, रन तेजी से बनने लगे और आज तो वनडे में 300 रन को बनाना बहुत मामूली सी बात है. अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं. पहले वनडे में शतक लगाने पर बहुत तारीफें होती थी और दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था, कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं था. लेकिन सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ा और 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया. और ये कहानी यही नहीं रुकी, कुछ दिन बाद सहवाग ने भी दोहरा शतक लगाया. तो मित्रों, असंभव तो कुछ था ही नहीं बल्कि काम बेहद कठिन था और इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी. लेकिन एक बात याद रखना, एक ना एक दिन ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा और दुनिया में छा जाएगा, और तब आप देखते रह जाओगे और यही बोलोगे कि वो लकी है. दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही. इस असंभव के चक्रव्यूह को कोई ना कोई आकर जरूर तोड़ेगा. तो मित्रों, असंभव शब्द को अपने मन से निकाल दीजिए क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. होप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो. तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ.